हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही फेमस मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है नीड फॉर स्पीड। और दोस्तों, थैंक यू, आप लोगों ने मेरी मूवीज की एक्सप्लेनेशन को काफी पसंद किया है। आप सभी की कमेंट्स पढ़े मैंने, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है मेरी मूवीज की एक्सप्लेनेशन, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। इस मूवी में दिखाया गया है जेल से ताजा एक स्ट्रीट रेसर, जिसके एक रिच बिजनेस एसोसिएट्स द्वारा फंसाया गया था। बदला लेने को ध्यान में रखते हुए एक क्रॉस कंट्री रेस में शामिल होता है। उसका पूर्व साथी योजना के बारे में सीखते हुए दौड़ शुरू होते ही उसके सिर पर एक बड़ा इनाम रखता है। तो दोस्तों, मूवी शुरू करने से पहले जानते हैं इस मूवी की कुछ खास बातें। ये मूवी 2015 में आई थी। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 6.4/10 है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं हमारे मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी शुरू होती है मेन कैरेक्टर टॉबी मार्शल से, जो कि फॉर्मर रेस कार ड्राइवर रह चुका है, और अपने दोस्तों फिन, पीट, मैवरिक और जो के साथ अपने लेट फादर का गैराज चलाता है, और साथ ही इलीगल रेसेस में पार्टिसिपेट भी करता है। और इसी तरह हम उसे एक रेस में पहुंचते हुए देखते हैं। उस रेस को देखने टॉबी की एक्स गर्लफ्रेंड यानी पीट की सिस्टर अनीता अपने बॉयफ्रेंड डीनो के साथ आती है, जो टॉबी का राइवल है। रेस जीत कर सब सारे दोस्त गैराज में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो डीनो वहां आता है और उन्हें एक ऑफर देता है। वो कहता है कि उन्हें फेमस ऑटोमेटिक डिजाइनर कैरोल शेल्बी की इनकम्प्लीट कार फोर्ड मस्टंग कम्प्लीट करने के लिए देगा। अगर वो उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे तो उन्हें सेल्स रेवेन्यू का 25% देगा। सारे दोस्त उसकी कोई ऑफर नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन टॉबी ऑफर कबूल कर लेता है। डीनो के जाने पर वो बताता है कि गैराज के लिए लिया गया लोन वापस नहीं कर सका, इसलिए बैंक कभी भी गैराज बंद कर सकता है। ये सुनकर सारे दोस्त मान जाते हैं और अगली सुबह कार के आने पर उसे कंप्लीट करने लग जाते हैं। मस्टंग कंप्लीट करने पर डीनो उसे ऑक्शन के लिए पेश करता है। ऑक्शन पार्टी में पीट और टॉबे खड़े बातें कर रहे होते हैं कि उनके पास ब्रिटिश ब्रोकर जूलिया आती है और कार का इंजन देखकर उन्हें बताती है कि उसका एम्प्लॉयर बिल एनग्राम इस मस्टंग को मिलेंगे अगर वो ये प्रूफ कर सके कि उनके डिक्लेरेशन के मुताबिक ये 230 माइल पर आवर चल सकती है। टॉबी चैलेंज एक्सेप्ट करता है, लेकिन डीनो वहां आकर उसे कार को हाथ लगाने से भी मना कर देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि टॉबी डीनो के अंडर डिफाइन करते हुए मस्टैंग को लोकल रेस ट्रैक पर दौड़ाता है और अपना चैलेंज पूरा करता है। डीनो की वजह से जब उसे कार रोकनी पड़ती है तो जूलिया वहां आती है और उन्हें कार का $2.7 million ऑफर करती है। उसके जाने पर डीनो टॉबी पर गुस्सा होता है, तो टॉबी के पास खड़ा पीट टॉबी को डीनो से अच्छा रेसर होने का दावा करता है, जिस पर डीनो को गुस्सा आ जाता है और वो रेस को चैलेंज करता है और साथ ही डील करता है कि अगर डीनो जीता तो मस्टैंग के सारे पैसे उसे मिलेंगे और अगर टॉबी जीता तो पैसे टॉबी के। डीनो डील होने पर उन्हें अपने अंकल के घर लेकर जाता है और उनकी इलीगल रेस कार्स निकालता है। पीट भी इस रेस में शामिल होता है। रेस स्टार्ट होती है तो सब बराबर जा रहे होते हैं, लेकिन एक ट्रक के सामने आने पर टॉबी फर्स्ट, पीट सेकंड और डीनो थर्ड पर होता है। सारी रेस में पीट डीनो को आगे आने से रोके रखता है, इसीलिए रेस खत्म होने लगती है तो डीनो गुस्से में पीट को हिट करता है। पीट की कार हिट होने पर हवा में घूमते आगे ब्रिज से नीचे गिर जाती है। टॉबी रियर व्यू मिरर में ये देखकर पीट की कार के पास जाता है, जबकि डीनो वहां से कार बढ़ाता भाग जाता है। टॉबी पीट की जली हुई कार के पास रोता रहता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीट का फ्यूनरल हुआ, जिस पर डीनो शेमलेसली मौजूद है और टॉबी पुलिस इन्वेस्टिगेशन रूम में है। टॉबी पुलिस को रेस के सीन और पीट के एक्सीडेंट का सीन और उसमें डीनो की इन्वॉल्वमेंट का बताता है, लेकिन कोई एविडेंस या गवाह ना होने की वजह से टॉबी को 2 साल जेल में रखा जाता है। 2 साल का अरसा गुजरता है तो हम टॉबी को जेल से बाहर निकलता हुआ देखते हैं। टॉबी जेल से निकलते ही पीट का बदला लेने के लिए एनग्राम को कॉल करके मस्टैंग मांगता है, ताकि वो डी लियोन रेस में हिस्सा लेकर डीनो को हरा सके। मस्टैंग के बदले वो रेस में जीतने के बाद मिलने वाली सारी कार्स एनग्राम को देने का डील करता है। डील के बाद टॉबी मैवरिक के साथ अपने बंद हुए गैराज पहुंचता है कि जूलिया मस्टैंग लिए वहां आती है। जूलिया उन्हें बताती है कि रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए उनके पास इनविटेशन होना जरूरी
जरूरी है। उसके लिए वो सैन फ्रांसिस्को जाने का इरादा करते हैं ताकि रेस ऑर्गेनाइजर मोनाक को इनविटेशन देने के लिए कन्विंस कर सके। 45 घंटे की ड्राइव पर जूलिया भी साथ जाती है क्योंकि इनग्राम अपनी कार को सेफ रखना चाहता है। जूलिया मस्टैंग में टॉबी के साथ बैठती है जबकि मैवरिक अपने जेट में ऊपर से रोड पर चेक रखे होता है। सफर स्टार्ट होता है। टॉबी जूलिया को डराने के लिए ट्रैफिक के दरमियान में से गुजरता है लेकिन जब जूलिया बिल्कुल नहीं डरती तो टॉबी मजाक छोड़कर अपने फ्रेंड फिन के ऑफिस जाता है जहां जो भी अपना ट्रक लिए टॉबी और फिन का वेट में खड़ा होता है। जो और टॉबी उधर फिन को पिक करने आए होते हैं कि मस्टैंग के इंजन की आवाज से पेट्रोल पुलिस आ जाती है। टॉबी के पास कार के पेपर्स नहीं होते इसीलिए वो कार को दौड़ा देता है और पुलिस उसका पीछा करती है। टॉबी मस्टैंग के कैमरा से और मैवरिक हेलीकॉप्टर से टॉबी को शूट कर रहे होते हैं। टॉबी कार ड्रिफ्ट करते हुए पुलिस के जाल से निकलकर हाईवे पर जो और फिन के ट्रक के पास आता है। उधर वो चलती कार में पेट्रोल भरते हैं और टॉबी सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल जाता है। मैवरिक और टॉबी की पुलिस चेस की वीडियोस डी लियोन में बैठे मोनार्क को मिलती है। वो उनका और टॉबी का जिक्र अपनी लाइव फीड में करता है। इस पर अपने मॉडर्न गैराज में अपनी फियांसे अनीता के साथ बैठा डीनो कमेंट करता है और ऑफर करता है कि जो भी टॉबी को रेस में आने से रोकेगा वो उसे अपनी रियल लैम्बोर्गिनी देगा। दूसरी तरफ मस्तांग में बैठी जूलिया मोनार्क की लाइव फीड में शामिल होकर वीडियोस को रिटेलिएट करती है। टॉबी की पीठ मर्डर केस में इनोसेंस प्रूव करती है जिसे सुनकर मोनार्क टॉबी को मानते हुए उसे डी लियोन का इनविटेशन दे देता है। टॉबी और जूलिया सफर जारी रखते हुए और रात के वक्त पर पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। टॉबी पेट्रोल भरने लग जाता है और जूलिया वॉशरूम जाती है। वॉशरूम से बाहर निकलने पर जूलिया को कन्वीनियंस स्टोर में पुलिस ऑफिसर मिलता है। जूलिया पर मस्तांग का मुसाफिर होने पर शक करता है और उसे अपने साथ चलने का कहता है। जूलिया वहां से ऊपर भागती है, एक रूम में छुप जाती है। टॉबी कॉल पर उसे विंडो से बाहर निकलकर जंप करने का कहता है। जूलिया उसके आर्म्स में जंप करती है और वो पुलिस ऑफिसर बाहर आने तक वहां से निकल जाते हैं। पुलिस कार टॉबी के हाथों खराब होने की वजह से पुलिस उन्हें फॉलो नहीं कर पाती। टॉबी जूलिया को कार ड्राइव करने का कहकर खुद सो जाता है। ड्राइव करते करते सुबह हो जाती है और जूलिया माउंटेन्स के रास्ते में ड्राइव कर रही होती है कि डीनो के इनाम का ऐलान सुनने वाले ट्रकर्स उन्हें ट्रैप करने का कोशिश करते हैं। जूलिया टॉबी की इंस्ट्रक्शन से उन ट्रक से बचने के लिए क्लिफ्स के रूट पर निकल आती है। टॉबी मैवरिक को हेल्प के लिए कॉल करता है तो मैवरिक अपने कनेक्शन यूज करते हुए यूएस आर्मी का एक हेलीकॉप्टर लेकर आता है। वो मस्टैंग को हुक से हेलीकॉप्टर के साथ अटैच करता है और ट्रकर्स की पहुंच से बहुत दूर ले जाकर हाईवे पर छोड़ देता है। उनको छोड़ते ही मैवरिक को आर्मी का हेलीकॉप्टर यूज करने की वजह से अरेस्ट कर लिया जाता है। जबकि टॉबी और जूलिया अपना सफर जारी रखते हैं और कैलिफोर्निया के उस होटल में पहुंचते हैं जहां उन्हें ड्राइवर रजिस्टर करवाना है। टॉबी चेकिंग करके कार में आता है और वो दोनों पार्किंग लॉट से निकलकर निकलने लगते हैं कि डीनो का एम्प्लॉय ट्रक से उन्हें हिट करता है जिससे कार घूमते हुए उल्टी होकर गिर जाती है। जूलिया बहुत जख्मी हो जाती है इसलिए टॉबी फिन और जो को बुलाता है और वो उनके ट्रक में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उधर वो जूलिया को फिन के पास छोड़ता है और खुद मस्टैंग डिस्ट्रॉय होने के वजह से रेस के लिए नई कार लेने अनीता के पास जाता है। अनीता जूलिया की लाइव फीड में बातें सुनकर डीनो की पीठ की डेथ में इन्वॉल्व होने का जान गई होती है इसीलिए वो टॉबी का साथ देते हुए उसे डीनो की इल्लीगल कार्स का हाइडआउट बता देती है। टॉबी हाइडआउट पे पहुंचता है और डीनो की बाकी कार्स को डिस्ट्रॉय करके वही कार लेता है जिससे डीनो ने पीठ का एक्सीडेंट किया था। टॉबी वो लेकर हॉस्पिटल जूलिया को चेक करने जाता है और उधर जूलिया के लिए अपनी फीलिंग बताता है और न्यू कार मिलने का भी बताता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉबी अगली सुबह रेस के लिए पहुंचता है। टॉबी को देखकर हैरान हुए डीनो को अनीता की एंगेजमेंट रिंग देकर अनीता का एंगेजमेंट तोड़ने का डिसीजन बताता है। रेस स्टार्ट होती है तो टॉबी अपने अपोनेंट्स को पार करते आगे बढ़ता जाता है। पुलिस भी वहां पहुंचती है और एक को रोकने की कोशिश करती है जिसमें सेवरल पुलिस कार डिस्ट्रॉय होती जाती है। दूसरी तरफ मैवरिक जेल से, जूलिया हॉस्पिटल से, मोनार्क अपनी लाइव फीड पर और फिन जो मॉनिटर पर रेस देख रहे होते हैं। इधर रेस में पुलिस की कार डीनो की कार को हिट करती है जिससे डीनो बच जाने वाले तीन लोगों में थर्ड आ जाता है और टॉबी फर्स्ट पर डीनो आगे आ
आके सेकंड रेसर को हिट करता है और दूर गिरा देता है। फिर वो टॉबी की तरफ बढ़ता है और टॉबी उसे आराम से ओवरटेक करने देता है। टॉबी एक टर्न पर उसे बेवकूफ बनाता है, कार ड्रिफ्ट करता दूसरी तरफ से निकल जाता है, जबकि डीनो की कार टर्न लेने की वजह से दूर जाकर उल्टी गिर जाती है। टॉबी यह देखकर डीनो को बचाने वापस आता है और कार से निकाल कर पीट का बदला लेने के लिए मारता है। जब उसे सायरन की आवाज आती है, अपनी कार में बैठकर फिनिशिंग लाइन तक पहुंचता है। पुलिस उसे और डीनो को अरेस्ट कर लेती है। पीट केस में डीनो को गिल्टी प्रूफ करने वाला मिसिंग एविडेंस वो कार मिलने की वजह से डीनो काफी सालों के लिए प्रिजन चला जाता है, जबकि टॉबी इलीगल रेसिंग की वजह से सिर्फ 178 डेज के लिए प्रिजन में रहता है। मूवी के एंड पर टॉबी के जेल से निकलने पर जूलिया उसे पिक करती है और वो दोनों यूटेक की प्रिजन की तरफ बढ़ते हैं, जहां मैवरिक को गुड बिहेवियर की वजह से जल्दी रिलीज किया जा रहा है।